साबरमती जेल में भी नहीं सुधरा लॉरेंस, इस बार सीधा पाकिस्तान में किया वीडियो कॉल। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना। 20 सेकंड की वीडियो कॉल ने बढ़ाई एजेंसियों की चिंता, क्या पाकिस्तान में भी है लॉरेंस के गुर्गे। बकरीद की बधाई के साथ लॉरेंस ने दिया अपने गुर्गे को बड़ा टास्क, क्या कुछ बड़ा करने जा रहा है लॉरेंस। गुजरात का साबरमती जेल, जिसे हिंदुस्तान के सबसे सुरक्षित जेलों में गिना जाता है, वहां लॉरेंस बिश्नोई के पास एंड्रॉयड फोन कैसे पहुंचा? क्या किसी पुलिस वाले से सेटिंग करके उसने जेल के अंदर मोबाइल मंगवाया और सीधा पाकिस्तान में बैठे डॉन को फोन मिलाया? ये वीडियो लॉरेंस बिश्नोई के साबरमती जेल का बताया जा रहा है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन वीडियो में क्या बातचीत हुई है वो आप खुद सुन लीजिए, फिर बताते हैं वीडियो में दिख रहा ये शहजाद भट्टी कौन है। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी है। नहीं नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। ये वीडियो पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने ट्वीट किया है। वीडियो में हुई बातचीत ये बताती है कि लॉरेंस बकरीद की बधाई दे रहा है, यानी ये वीडियो क्लिप 16 जून की हो सकती है, जिस दिन मिडिल ईस्ट में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा था, उसी दिन लॉरेंस ने अपने पाकिस्तान वाले दोस्त को बधाई के लिए फोन किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये बधाई संदेश वाली कॉल थी, या लॉरेंस पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक में कुछ बड़ा करने जा रहा है। वीडियो कॉल पे दिखने वाला ये शहजाद भट्टी पाकिस्तान का लॉरेंस कहा जाता है। कौन है शहजाद भट्टी? ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जिसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज है। ये अपने आका फारूक खोखर के साथ मिलकर अपना नेटवर्क चलाता है। फारूक खोखर की पाकिस्तान की राजनीति में पकड़ काफी अच्छी है। इसका नेटवर्क अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान और दुबई समेत कई देशों में फैला है। फारूक ने शेर पाल रखा है, बड़े काफिले के साथ चलता है और शहजाद को संरक्षण देता है। भट्टी का काम हथियारों की तस्करी करना भी है, और बीते दिनों ऐसी खबरें आई थी कि लॉरेंस पाकिस्तान से हथियार मंगवा रहा है। सीधा सीधा शक इस ओर जाता है कि भट्टी लॉरेंस का सबसे बड़ा सप्लायर हो सकता है। लॉरेंस ने कॉल सिर्फ बधाई देने के लिए नहीं, बल्कि किसी मिशन को अंजाम देने के लिए किया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि सलमान खान के केस में जो खुलासा हुआ था उसे लेकर लॉरेंस ने कॉल की हो। सलमान खान पे हमले के लिए लॉरेंस पाकिस्तान से AK-47 मंगवाना चाहता है। लॉरेंस के गुर्गों का प्लान कामयाब हो पाता, उससे पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। पूछताछ में खुलासा ये भी हुआ कि लॉरेंस ने फुल प्रूफ फाइनल प्लान तैयार कर लिया है। तो सवाल ये है कि क्या लॉरेंस इस बार खुद सलमान की सुरक्षा में सेंध लगाने का जिम्मा उठा रहा है और अपने नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की मदद ले रहा है, या फिर खुद को देशभक्त बताने वाला लॉरेंस पाकिस्तान में कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं है। फिलहाल साबरमती सेंट्रल जेल के डिप्टी SP परेश सोलंकी का दावा है कि हमें इस वीडियो कॉल की जानकारी नहीं, हम इसकी जांच करेंगे। हालांकि जांच की बात तब भी हुई थी जब लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब की जेल से एक बड़े चैनल को सीधे इंटरव्यू दे दिया था, तब वो टीवी चैनल पर लाइव आया, जिसके बाद सवाल खड़े हुए कि कोई कैदी टीवी पे जेल से लाइव कैसे आ सकता है, आखिर वो जेल से मनमर्जी कैसे कर लेता है। ये सवाल सुरक्षा एजेंसियों के बड़े बड़े अधिकारियों के दिमाग में तब तब उठेगा जब जब वो लॉरेंस का ये वीडियो देखेंगे।